मेरे पिछले वाले वीडियो में इन द फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो टूवर्ड्स द एंड मैंने कहा कि मैंने एक एचडी कार्ड खरीदा है और मैं आपको ये वाले वीडियो में बताऊंगा क्यों खरीदा है, क्योंकि मैं एक कैमरा खरीदने का सोच रहा हूँ। एंड मैंने अभी साकेत को मैसेज किया था 2-3 दिन पहले, ही सेड प्राइस के अंडर द आई सेंट हिम अ प्राइस एंड आई टोल्ड हिम व्हाट इज द बेस्ट कैमरा इन दैट प्राइस रेंज, और उसने वो कैमरा का नाम लिया जो आर्यन के पास है। तो अभी आर्यन नीचे रुका है एंड ही इज गॉट दैट कैमरा विद हिम, तो पहले मैं वो ट्राई करूंगा एंड वील सी हाउ आई एम गेटिंग यूज टू इट, कैसे मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो आई एम गोना यूज दैट कैमरा फर्स्ट एंड सी इट, 2-3 वीडियो के लिए यूज़ करूंगा फिर खरीद लूंगा। सो ही डजंट हैव अ मेमोरी कार्ड, तो मैंने वो एक खरीद के रखा है, माइट एज वेल बाय इट क्योंकि मुझे फॉर फ्यूचर यूज़ में लगने ही वाला है सिंस आई एम गोना बी बाइंग अ कैमरा। आर्यन को भी मिल के और साथ में वर्कआउट करके भी बहुत टाइम हो गया, आई थिंक इट्स बिन अबाउट 4-5 मंथ्स जब से बॉल बंद हुआ, उसके 1 महीने पहले मुझे याद है, सो इट्स या बिन 4 मंथ्स। तो उसको भी मिल के टाइम हो गया है, उसके साथ वर्कआउट करके भी बहुत टाइम हो गया, तो आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम एंड वर्कआउट विद हिम। मेरा चेस्ट एंड बैक है, उसका पुल है, तो अभी मैं ये पानी भर के नीचे जाने वाला हूँ उसको मिलने। तो एवरीवन हु वांटेड मी टू कीप माय बियर्ड, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पोल डाला था विच सेड इधर बियर्ड रखूँ कि नहीं रखूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा था रख ले, बहुत सारे लोगों ने कहा था निकालने के लिए, इट वॉज लाइक 60% to 40% इन फेवर ऑफ कीपिंग द बियर्ड, तो ऐसे दिख रहा है एंड मुझे तो ठीक ही लगता है, थोड़ा कुछ भी होता है लेकिन, बट दिस इज हाउ आई लुक। अभी जाके एक वर्कआउट कम्प्लीट करते हैं। ये बंदे ने मेरे को एक्चुअली जस्ट क्रॉस मी लाइक ही डिडंट सी मी ओनली, ठीक है ना, आप टू वॉक टू अर्ज उसकी गाड़ी वहाँ पे। मैंने पूरा वो देखा प्रोसेस, तो मेरे को क्रॉस कर रहा था वीडियो में, ऐसे बात कर रहा था, मैं तो जस्ट जिम से वापस आया हूँ, लंच भी खा लिया, एट सम चिकन करी एंड राइस। संडे को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट आई डोंट ईट एज अनहेल्दी एज अ नॉर्मल पर्सन वुड ऑन अ संडे। रात में पिज्ज़ा मंगाएंगे, लेकिन अभी जस्ट जिम से आया हूँ लंच के बाद एंड काफ़ी अच्छा वर्कआउट था आर्यन के साथ जाके, मज़ा आया। साकेत भी आया था, ही डिड पुश, आई मीन ही डिड ओनली चेस्ट, मैंने चेस्ट एंड बैक किया था और आर्यन ने बैक एंड बाइसेप किया था, ही डिड पुल। और पहले वो भी करता था, आनंद स्प्लिट ही करता था, चेस्ट बैक शोल्डर्स आर्म्स एंड लेग्स, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि चेंज द स्प्लिट, जस्ट शोज कि हमने कितने टाइम से साथ में वर्कआउट नहीं किया, लेकिन काफ़ी मजा आया, इट फेल्ट सो गुड ट्रेनिंग विद द ओल्ड बॉडी। एंड हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इज ऑलमोस्ट द सेम, वो भी बकवास जोक्स मारते रहता है एंड पहले मैं भी मारता था लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कर्स करते थे, सो नाउ इवन आई डू दैट विद हिम, और उसका भी दिमाग थोड़ा ये हो जाता है व्हेन, सो नाउ ही नोज हाउ इट फील्स व्हेन समवन डज इट, तो वो अभी मेरे साथ ज़्यादा नहीं करता। एंड हाँ, मैंने एचडी कार्ड इसलिए खरीदा है क्योंकि आर्यन हैज गिवन मी हिज कैमरा, अभी चार्ज हो रहा है एंड ये रहा एचडी कार्ड,
चार्ज होने के बाद आई ट्राई द कैमरा आउट, एक दो व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा लगा तो आई विल बाय दिस इमीडिएटली, क्योंकि मेरे को ये साकिब ने भी बोला था दिस इज अ वेरी गुड कैमरा टू बाय फॉर माय बजट। तो दिस इज द सोनी ZV-1.10 शूट, तो इमेज स्टेबलाइजेशन भी होता है एंड बाकी कैमराज में नहीं होता है, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। सो मोस्टली मैं यही लेने वाला हूँ, लाइक यही लूंगा इफ आई लाइक इट। रिसेंटली ना मुझे बहुत ऐसे अडल्ट वाइब्स आ रहे हैं बिकॉज माई एंटायर फैमिली हैज गॉन टू द US, ओनली मी माई यंगर ब्रदर एंड माई ग्रैंड मदर आर एट होम राइट नाउ। और मुझे अभी उठ के दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है मेट्स के लिए बाई 6 o'clock, और कल रात को मैं 2 बजे सोया था, सनसेट और सैटरडे दो मूवीज़ देखा बिकॉज आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज। आज एक शो चालू करूंगा आफ्टर डिनर, एक दो एपिसोड देख के सो जाऊंगा, लेकिन 2 बजे सोने के बाद भी आई वोक अप एट 6 AM ऑन माई ओन विदाउट अलार्म एंड ऐसे बहुत अडल्ट वाइब्स आ रहे हैं। आई फील लाइक आई एम ग्रोइंग अप स्लोली स्लोली। पिछले एक दो हफ्ते से आई एम वेकिंग अप ऑन टाइम, गोइंग टू द जिम ऑन टाइम, 6:30 तक उठ जाता हूँ, 7:30 तक जिम पहुँचता हूँ, 8:45 तक वर्कआउट खत्म हो जाता है, घर पे आता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, खाता हूँ, लंच बनाता हूँ, लेके जाता हूँ, बट 10:15 ऑफिस पहुँचता हूँ, काम हो जाता है, 6 बजे वापस आता हूँ एंड देन गो फॉर माई वॉक, 10,000 steps कंप्लीट करता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ एंड दिस हैज बिन माई रूटीन सिंस द पास्ट 2-3 weeks। हाँ, फील आई एम फीलिंग लाइक एन अडल्ट, आई एम 23 years old, अभी थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए, मुझे अच्छा लग रहा है एंड जस्ट फील गुड ओवरऑल। बुढ़ा भी लग रहा है बिकॉज दैट बैक पेन इज ऑलवेज बिन देयर सिंस माई कन्वेंशनल डेडलिफ्ट डेज, पर धीरे धीरे जा रहा है। एट दिस डिस्कशन विथ आर्यन एंड साकेत अबाउट दैट ऑल्सो इन द जिम, कि हम कितना हैवी मारते थे फॉर आर एज, एटलीस्ट इन इंडियन स्टैंडर्ड्स। अभी पावर लिफ्टिंग बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, इट्स गुड टू सी दैट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक सिंगा एंड मनु, लाइक इट्स ह्यूज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट हैपेंस इन इंडिया एंड पावर लिफ्टिंग ओवर द नेक्स्ट 4-5 years। तो भाई इसके साथ आज का छोटा सा वीडियो खत्म होता है। वील बी यूजिंग दैट कैमरा, अभी फोन मैं यूज करना बंद करने वाला हूँ, ओनली फॉर द माइक आई नॉट यूज इट, लेकिन शायद से वो माइक अटैच्ड है ऑलरेडी। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल विद योर अदर फ्रेंड्स जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है एंड वॉन्ट सम टिप्स इन बिल्डिंग द फिजिक, उनको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।